सच का पहरेदार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलवा रही है, उसी तर्ज पर संभल पुलिस ने करीब 125 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त करते हुए बड़ी कार्यवाही की है। डीएम के आदेश पर अवैध संपत्ति कुर्क की गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरह से माफियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाए हुए है, उसी तरह से जनपद संभल का पुलिस प्रशासन भी अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों के खिलाफ बुलडोजर चला रहा है। संभल पुलिस ने डीएम संभल संजीव रंजन के आदेश पर सदर कोतवाली स्थित मियां सराय में शमशाद एवं शरीफ पहलवान द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्ति कुर्क की है। बकायदा ढोल नगाड़ों के साथ संपत्ति कुर्क करने पहुंची पुलिस को देखकर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस की इस कार्यवाही से माफियों में खलबली मची हुई है। पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा के मुताबिक दोनों माफियों की 125 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई है। गैंगस्टर अभियोग में जेल गए शरीफ पहलवान व शमशाद, इनकी एक बड़ी भूमि को जिलाधिकारी महोदय के आदेश से सीज किया गया और कुर्क किया गया। इसमें इनकी जो भूमि है, इसकी बाजार में कीमत 1,25,00,000 रुपए है। साथ में इसकी जानकारी है कि ये लगभग 165 हेक्टेयर भूमि इनके द्वारा अवैध रूप से कमाई गई थी, इसको आज कुर्क कर लिया गया है। संभल से सनी गुप्ता की रिपोर्ट। हक की आवाज आपके लिए, आपके हक के लिए सदन में उठती हैं आवाजें। आवाजें जो अक्सर तब्दील हो जाती हैं शोर में,